का बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीट पर जीत दर्ज कर ली है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस जीत चुकी है, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मंगलौर सीट पर जनता ने हाथ का साथ दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन यहां से जीते हैं और उनके समर्थक काफी जश्न में नजर आ रहे हैं। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर। नितिन, हाथ का साथ जनता ने यहाँ पर थाम लिया है, कांग्रेस प्रत्याशी की जीत दर्ज हो गई है, कैसा माहौल, क्योंकि मॉरल बूस्ट हो गया होगा अब कांग्रेस का? जी निश्चित रूप से अगर बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा की पांचों सीट हारने के बाद कांग्रेस ने दोनों ही उपचुनावों में जीत दर्ज की है, विशेष तौर पर अगर बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र सिंह भंडारी, तो उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा था बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी, जिसमें कि अब कांग्रेस ने जीत हासिल कर दी और 5,224 वोटों से जीते हैं लखपत सिंह बटोला। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस बैकफुट पर जा रही थी, हम पिछले चुनावों की बात करें चाहे लोकसभा विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं अब जो ये गढ़वाल क्षेत्र की एक बहुत ही प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है बद्रीनाथ विधानसभा, वो जीत चुकी है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी एक राहत जरूर मिली होगी। और कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, तो एक जो जश्न मनाने के लिए जो कार्यकर्ता धीरे धीरे अब सभी इलाकों से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जी तो पुलकित शुक्ला भी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, यहाँ पर भी कांग्रेस की तरफ से ही जीत हासिल की गई है, किस तरह का उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उत्साह की अगर बात करें तो कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश के नेता, वो सब मतगणना केंद्र के बाहर जमा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जमा है और लगातार जो है उनकी ओर से नारेबाजी की जा रही है। प्रत्याशी के जिंदाबाद की नारेबाजी की जा रही है, कांग्रेस जिंदाबाद की नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो एक जीत है ये कम वोटों के अंतर से ये जीत जरूर हुई है और ये एक उपचुनाव की जीत जरूर है, लेकिन इसके जो मायने हैं वो बहुत ज्यादा खास हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो उत्तराखंड में है वो कांग्रेस विपक्ष में है। हरिद्वार में कांग्रेस पहले से जो है अच्छा प्रदर्शन करती रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और 11 में से 5 सीटें कांग्रेस ने यहाँ पर जीती थी, लेकिन ये जो एक मंगलौर विधानसभा की जो सीट थी ये बेहद कम वोटों के अंतर से जो है कांग्रेस जीतते हुए हार गई थी और ये सीट बसपा की झोली में चली गई थी। लेकिन जिस तरह से जो परिस्थितियां बदली और जो विधायक थे बसपा के उनका निधन हुआ और उसके बाद उपचुनाव इस सीट पर हुआ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फिर से दोबारा एक संजीवनी कांग्रेस के लिए मिली है और जो कांग्रेस के नेता हैं काजी निजामुद्दीन, एक बार फिर से वो अपनी कोई भी सीट पाने के लिए जो है यहाँ पर उसमें सफल हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस में जो उत्साह बहुत ज्यादा है और कांग्रेस हरिद्वार जिले में इस वक्त बहुमत में आ गई है। अगर देखा जाए तो हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से अब 6 सीटें कांग्रेस के पास चली गई हैं, इसलिए कांग्रेस यहाँ पर बहुमत में आ गई है और यही कारण है कि जो कांग्रेस के यहाँ पर विधायक हैं वो शासन प्रशासन की जो भी उनकी गतिविधियां हैं, जो भी उनकी कार्यशैली है, उसको लेकर यहाँ पर आवाज उठाते हैं, तो एकजुट होकर आवाज उठाते हैं, तो इसलिए हरिद्वार जिले में कांग्रेस की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा इस जीत के एक खास मायने ये भी है कि जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव में जिस तरह से भाजपा के एक बाहर के एक कैंडिडेट को यहाँ पर लाया गया और कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाया गया कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष रूप से यहाँ पर नहीं हो रहा है, 10 जुलाई को जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में कुछ जो है झड़पे हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, कुछ झड़पें हुई हैं और उसके अलावा कुछ लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली, पार्टी ज्वाइन कर ली, और हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी के प्रत्याशी भी वही थे जो हाल ही में ज्वाइन उन्होंने बीजेपी को किया था कांग्रेस छोड़कर, तो कह सकते हैं कि बीजेपी को नुकसान हुआ है इस चीज का यहाँ पर? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में बीते हैं और लोकसभा चुनावों में सभी पार्टियों की ओर से बड़े स्तर पर जो है दलबदल हुआ, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस छोड़कर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भाजपा की ओर गए, तो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में पूरी तरह से माहौल बना और ऐसा लगा कि अब जो है पूरी तरह से भाजपा के ही बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर कांग्रेस के तमाम जो जोश में नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता, उनका कहना है कि संविधान की जीत हुई है। दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।